अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने आज बात करनी है चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक की जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन, इंसानों के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो, और हमने थोड़ी सी बात करनी होगी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है वो डिस्कस करूँगा किडनी के फंक्शन, जिन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस, या जो स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। तो फिलहाल ज़रा यूरिनरी सिस्टम देख लेते हैं इंसानों का। आपने पहले भी किसी ना किसी क्लास के अंदर, 9th क्लास में या 8th क्लास में या उससे पहले स्कूल में कभी ये सिस्टम देखा होगा। तो यूरिनरी सिस्टम जो है इंसानों का, उसके अंदर दो बीन शेप ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम किडनीज कहते हैं। ये दो ऑर्गन्स आपको नज़र आ रहे हैं जो साइड में लगे हुए हैं, ये एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं। मुझे कैसे पता ये एब्डोमेन के अंदर है? तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक मसल होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर जो होता है वो होता है थॉरेक्स, जिसके अंदर आपके लंग्स और हार्ट होता है। और डायफ्राम के नीचे जो कैविटी होती है दैट इज़ नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दो ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें आप किडनीज कहते हैं। एक राइट साइड पे ये राइट किडनी है और एक लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट किडनी है। दोनों किडनी से एक अदद पाइप निकलता है, इस किडनी से भी और इस किडनी से भी। इस पाइप का काम क्या होता है? देखिए, किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन। जब यूरिन बन जाता है तो वो इस पाइप के जरिए इस ऑर्गन तक आता है। तो ये जो पाइप है जो किडनी से यूरिन लेता है और अगले ऑर्गन को देता है, ये पाइप्स कहलाते हैं यूरेटर्स। दोनों किडनी से एक एक पाइप है तो दो यूरेटर्स हैं। तो अब तक के जो ऑर्गन्स है वो दो दो थे, किडनीज दो हैं और यूरेटर्स दो हैं। इसके बाद यूरिन जो है वो जाकर स्टोर हो जाता है एक ऑर्गन के अंदर, और ये सिंगल होता है, ये डबल नहीं होता। दोनों पाइप एक ही ऑर्गन के अंदर खुलते हैं और इसे हम कहते हैं ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना। और फिर इससे एक अदद पाइप निकलता है जिसके थ्रू यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर जाता है। ये टांगे हैं, ये टांगों के बीच का हिस्सा है, और यहाँ ये पाइप जो आपको नज़र आ रहा है बारीक सा, ये कहलाता है यूरिद्रा। ये भी सिंगल पाइप है और इसके थ्रू जो यूरिन है वो ब्लैडर से बाहर चला जाता है। एक और बात, जो ब्लैडर एंड होता है, देखें जहाँ से यूरिद्रा शुरू हो रहा है, अगर ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिद्रा है, तो यूरिद्रा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर एक अदद मसल लगा हुआ होता है और ये मसल कहलाता है स्फिंक्टर वाल्व, स्फिंक्टर कहलाता है। स्फिंक्टर बेसिकली किस काम आते हैं? ये कंट्रोल करने के काम आते हैं। देखिए, अगर ये स्फिंक्टर यहाँ से हटा दिया जाए तो जैसे ही किडनी से यूरिन बनेगा वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आएगा, और चूंकि ब्लैडर के नीचे कोई वैल्व नहीं लगा हुआ तो ये डायरेक्टली बाहर चला जाएगा। तो आप रूम में बैठे हों, आप ऑफिस में बैठे हों, आप स्कूल में बैठे हों, कॉलेज में बैठे हों, यूरिन पास होता रहेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ये जो स्फिंक्टर है ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब ये जो मसल है ये सख्त हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से ये रास्ता बंद होता है। जब आप रिलैक्स होते हैं, जब बाथरूम की अवेलेबिलिटी होती है, तब आप इस मसल को, इस स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। जब ये खुलता है तो फिर यूरिन फ्लो करके बाहर जाता है। तो ये स्फिंक्टर का फंक्शन होता है। इसी की वजह से जो ब्लैडर है वो स्टोर करने का काम कर सकता है। अगर किसी का स्फिंक्टर ख़राब हो जाए तो उनके अंदर इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यानी उनका जो यूरिन है वो उनकी मर्जी के बगैर बॉडी से बाहर आना शुरू कर देता है, जिसे आप यूरिनरी लीकेज कहते हैं। ओके, अब इस पूरे सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन है जिसका काम है यूरिन बनाना, वो है हमारे पास किडनी। तो हमने बेसिकली किडनी का स्ट्रक्चर देखना है और किडनी के बारे में कुछ बातें हमने पता करनी है। लेकिन सबसे पहली बात, बीन शेप ऑर्गन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइज़ इसका देखें, बड़े मज़े की बात है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपका जो वो शीशे का स्केल होता है छोटा वाला, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो किडनीज जो हैं वो उससे भी छोटी हैं, 10 सेंटीमीटर की एक किडनी होती है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, इनके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। जिस तरह लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग थी, जिस तरह हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग थी, इनके ऊपर भी उसी तरह की एक मेम्ब्रेन होती है। हालांकि दो नहीं होती, बस एक मेम्ब्रेन होती है, और वो भी आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ नहीं होती, पूरा कवर्ड नहीं होती। ये मेम्ब्रेन कहलाती है पेरिटोनियम। अच्छा, किडनी के ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर एक अदद ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। अगर मैं पीछे लेके जाऊँ आपको, तो ये किडनी है, ये किडनी का बॉर्डर है, और इसके ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, अगर ये हमारे पास किडनी है तो किडनी के ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है त्रिकोण सा, दिस इज़ नोन एज एड्रिनल ग्लैंड, राइट और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। इनके क्या फंक्शंस होते हैं ये हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, किडनी जिस तरह बाकी ऑर्गन्स को ब्लड मिलता है तो किडनी को भी ब्लड मिलेगा। किडनी के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है रीनल। तो किडनी की तरफ लाने वाली जो आर्टरी होती है ब्लड, वो कहलाती है रीनल आर्टरी, और किडनी से जो ब्लड लेकर जाएगी वेसल, वो कहलाती है रीनल वेन। अच्छा, अब किडनी जो है उसके अंदर आने और जाने का एक ही रास्ता है, ठीक है। दिस इज द किडनी एंड दिस इज द यूरेटर, इससे यूरिन जाता है।
और यही दरवाजा है, यहीं पर दरवाजा होता है जहां से आर्टरी एंटर होती है और जहां से वेन बाहर आती है। तो ये दरवाजा जहां से चीजें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, ये कहलाता है हाइलस। अगर मैं यहां दिखा सकूं, ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये एंट्री है, यहां से आर्टरी अंदर जाती है और वेन बाहर आती है। इसका बेटर डायग्राम जो है वो ये है। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है जहाँ से ये रीनल आर्टरी है, ये ब्लड लेके जाएगी, ये एंटर हो रही है किडनी में यहाँ पे, और ये रीनल वेन है, ये ब्लड को वापस लेकर आएगी, ये निकल रही है यहाँ से। तो ये पॉइंट है, ये कहलाता है हाइलस। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं कट सेक्शन की, क्रॉस सेक्शन की, जब आप किडनी को काट के देखते हैं। अच्छा, सेक्शन कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल। देखें, अगर आपके पास ये किडनी है और आप इसे इस तरह से काटें तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, लेकिन इसको अगर यूं काटा जाए तो ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो वर्टिकली वाई एक्सिस के ऊपर काटा हुआ सेक्शन जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। जब आप किडनी को ऊपर से काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं, तो आपको नजर आता है कि किडनी के बेसिकली दो एरियाज हैं। एक इसका आउटर रीजन है जो डार्क है। क्यों डार्क है ये भी मैं बताऊंगा। ये जो आउटर रीजन है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। नॉर्मली आप देखेंगे जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं तो एक आउटर रीजन आता है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर आपको नजर आएगा। अभी मैंने आपको बताया एड्रीनल ग्लैंड, इसको भी जब काटेंगे तो आउटर रीजन डार्क होता है, वो कॉर्टेक्स कहलाता है। अगर आप ब्रेन को काटते हैं तो ब्रेन का भी आउटर रीजन डार्क होता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। और इनर रीजन जो है वो लाइट होता है, ये कहलाता है मेडुला। ठीक है। अच्छा, मेडुला के अंदर आप देखेंगे कि पिरामिड की तरह, जिस तरह पिज्जा का एक स्लाइस होता है, उस तरह के पिरामिड की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका नाम पिरामिड्स होता है। ये मैं दिखाता हूँ अभी। इनसे यूरिन ड्रॉप होता है और एक पॉइंट के ऊपर आता है, यानी अगर ये एक पिरामिड है तो इससे यूरिन ड्रॉप होगा इस जगह पे, ये दूसरा पिरामिड है, इससे भी यूरिन ड्रॉप होगा इस जगह पे, ये तीसरा पिरामिड है, इससे भी यूरिन ड्रॉप होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है कि जहाँ पर सारे पिरामिड से यूरिन ड्रॉप हो रहा है, ये कहलाता है पेल्विस। और पेल्विस कुछ और नहीं है, मैंने आपको बताया था किडनी से एक अदद पाइप निकलता है। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई किडनी। किडनी से एक अदद पाइप निकलता है जिसको हम कहते हैं यूरेटर। तो यूरेटर का जो अगला एंड होता है, यानी जहाँ से वो स्टार्ट होता है, वो कहलाता है पेल्विस। ये इस डायग्राम के अंदर नहीं, यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हमारे पास यूरेटर है, ये पाइप है, इसके थ्रू यूरिन जाना है। इसका देखें अगला एंड जो है, ये वाला एंड, ठीक है, ये वाला एंड, ये कहलाता है पेल्विस। ये पिरामिड्स हैं, ये जो आपको त्रिकोण नज़र आ रहे हैं, ये पिरामिड्स हैं। ये जो आउटर रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा आउटर रीजन, ये कॉर्टेक्स है। और इन पिरामिड से जो ब्लड ड्रॉप, ब्लड कह रहा हूँ, यूरिन ड्रॉप हो रहा है, वो इस पॉइंट के ऊपर हो रहा है और ये पॉइंट कहलाता है पेल्विस। पेल्विस में जब ये जमा हो जाएगा तो फिर यूरेटर बन जाएगा और यूरेटर से यूरिन बाहर निकल जाएगा, और जिस पॉइंट से ये यूरेटर बाहर निकलता है और आर्टरी और वेन एंटर या एग्जिट होती हैं, वो कहलाता है हाइलस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये डायग्राम आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 के पहले ही पेज पर बनी हुई है, बिल्कुल स्टार्ट में। तो इसमें भी देख लें, ये आउटर रीजन आपको नजर आ रहा है, ये आउटर रीजन, दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, त्रिकोण त्रिकोण, ये पूरे ये काटे हुए अंदर से इन्होंने, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है इसका, दीज आर नोन एज मेडुला। ठीक है, सॉरी, ये पूरा मेडुला है और मेडुला टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, दीज आर नोन एज पिरामिड्स। और इन पिरामिड से यूरिन जो है वो ड्रॉप होकर एक पॉइंट के ऊपर आता है, उस पॉइंट को हमने पेल्विस कहा था। पेल्विस से आगे स्टार्ट हो जाता है यूरेटर, यूरेटर जाता है ब्लैडर के पास, तो ये रीनल पेल्विस है। ओके, एक डायग्राम मैं भी बना देता हूँ थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके ताकि समझ आ जाए। तो ये हमारे पास किडनी है, माउस से जो है वो बड़ी मुश्किल होती है लिखने में भी, डायग्राम बनाने में भी। इससे ये पाइप निकल रहा है जिसे आप यूरेटर कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये पिरामिड्स हैं, ठीक है, ये मेडुला है जो कि डिवाइडेड है टुकड़ों के अंदर, ये पिरामिड्स हैं, ठीक है। और ये वाला रीजन जो है ये डार्क रीजन होता है, दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स। ये पूरा रीजन कॉर्टेक्स है, ये पिरामिड्स हैं, ये पूरा एरिया जो है, ये वाला एरिया कॉर्टेक्स के बाद वाला जितना भी एरिया है अंदर वाला, दिस इज नोन एज मेडुला। और मेडुला डिवाइडेड है इन ट्रायंगुलर एरियाज के अंदर। यहाँ से यूरिन फ्लो होगा, यहाँ से यूरिन फ्लो होगा, यहाँ से यूरिन फ्लो होगा, और यहाँ से यूरिन फ्लो होगा, इस एरिया में आएगा। सो दिस इज नोन एज पेल्विस। और पेल्विस से स्टार्ट हो जाता है फिर यूरेटर, यहाँ से एंटर होगी आर्टरी और यहाँ से निकलेगी वेन। तो ये वाला एंट्री और एग्जिट वाला जो पॉइंट है, ये कहलाता है हाइलस। आई होप बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेफ्रॉन। देखिए, किडनी है क्या? किडनी बेसिकली कलेक्शन है माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स की, ट्यूब से, बहुत सारी ट्यूब्स हैं। कितनी ट्यूब्स हैं भाई? तो एक किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियन
एक किडनी में 1 मिलियन के करीब माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होती हैं या ट्यूब्स होती हैं जिन्हें आप कहते हैं नेफ्रॉन। जिस तरह सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, बिल्कुल इसी तरीके से जो नेफ्रॉन है वो बेसिक यूनिट है किडनी का, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। यानी किडनी कुछ भी नहीं है, किडनी क्या है, कलेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करनी है। उससे पहले मैं एक बात बताऊं, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में फ़र्क क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें समझ नहीं आता नेफ्रॉन और न्यूरॉन में क्या फ़र्क है। इतना तो उन्हें पता होता है कि न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है, जबकि नेफ्रॉन आपके यूरिनरी सिस्टम में यानी किडनी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि नेफ्रॉन और न्यूरॉन में क्या फ़र्क है, तो वो फंक्शन बता देंगे कि न्यूरॉन का काम होता है मैसेजेस जनरेट करना, जिसे आप नर्व इम्पल्स कहते हैं, और नेफ्रॉन का काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन फॉर्मेशन। इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस जो है वो मैं क्लियर कर दूं। स्टूडेंट को लगता है कि न्यूरॉन एक सेल है तो नेफ्रॉन भी एक सेल है, जबकि नेफ्रॉन एक सेल नहीं है, नेफ्रॉन एक ट्यूब है, और ट्यूब जो है वो मल्टी सेलुलर है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन एक सेल नहीं है, नेफ्रॉन मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनता हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन इज नॉट अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये जो आपको पूरी ट्यूब नजर आ रही है यहाँ पे, ये जो एक पूरा नेफ्रॉन नजर आ रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली मल्टीपल सेल से बना हुआ है, मल्टीपल बहुत सारे सेल से मिलकर ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्टिल बहुत छोटा है कि माइक्रोस्कोपिक है, बट ये मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर नहीं है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने बात करनी है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, कि नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, नेफ्रॉन जो है ना वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, चांद की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल, कप लाइक कह लें या चांद की तरह का कह लें, जिसे आप कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये नेफ्रॉन की सीधी की हुई डायग्राम है। एक्चुअली नेफ्रॉन इस तरह का नज़र आता है, बट ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रेट करके बनाया है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है स्टार्ट में, ये स्ट्रक्चर ये चांद की तरह का है या कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज बॉमेंस कैप्सूल। ये बॉमेंस कैप्सूल बेसिकली इसकी दो दीवारें हैं, एक ये वाली दीवार है और एक ये वाली दीवार है, ठीक है। ये दो दीवारें हैं और दोनों दीवारें जिस तरह आपके कमरे की राइट और लेफ्ट वॉल होती है या फ्रंट और बैक वॉल होती है, बिल्कुल इसी तरह ये इसकी फ्रंट और बैक वॉल है, और ये इसके दरमियान बीच में खाली जगह है। मैंने कहा ना ये ट्यूब है, तो ट्यूब के अंदर ये स्पेस है, ये जो पूरी आपको नज़र आ रही है ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ये स्पेस है, खाली जगह है, जिसके अंदर जो लिक्विड है वो फ्लो करता हुआ जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया, जिसे आपने कहा बॉमेंस कैप्सूल। इसके बाद बॉमेंस कैप्सूल के बाद इसमें एक और चीज़ भी होती है, लेकिन पहले मैं आपको बाकी स्ट्रक्चर समझा दूं। बॉमेंस कैप्सूल के बाद आपको नज़र आती है कॉइल ट्यूब। अच्छा, कॉइल ट्यूब जो है ना, इसका एक पार्ट तो बॉमेंस कैप्सूल से करीब है और एक पार्ट बॉमेंस कैप्सूल से दूर है। जो पार्ट करीब है, करीब के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है प्रॉक्सिमल, और कॉइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है कॉन्वोल्यूटेड। तो जो करीब वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो दूर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये बॉमेंस कैप्सूल है, दिस इज बॉमेंस कैप्सूल। ये बहुत सारे नाम हैं, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, जो लोग न्यू हैं, जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में अभी आए हैं, उनको टाइम लगेगा ये याद रखने में। दिस इज द बॉमेंस कैप्सूल। उसके बाद ये एक हिस्सा है, ये कॉइल ट्यूब है, और ये दूसरा हिस्सा है, ये भी कॉइल ट्यूब है। करीब कौन सी है? ये वाला हिस्सा करीब है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब मुड़ी हुई, और ये दूर है, इसके लिए वर्ड यूज होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन दोनों के दरमियान में आपको एक यू शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो पहले नीचे जा रहा है फिर वापस ऊपर आ रहा है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, इसके दो पार्ट्स हैं, एक नीचे जाने वाला और एक ऊपर आने वाला। ये जो नीचे जाने वाला पार्ट है, नीचे जाने के लिए वर्ड यूज होता है डिसेंडिंग। तो ये वाला इसका लिम जो है ये कहलाता है डिसेंडिंग लिम, और ये जो ऊपर आने वाला पार्ट है ये कहलाता है असेंडिंग लिम, ठीक है। और लास्ट पार्ट, ये वाली जो एक डक्ट आपको नजर आ रही है, एक ट्यूब नजर आ रही है, दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक नेफ्रॉन ये खुल रहा है, एक नेफ्रॉन ये खुल रहा है, ये कहीं से आ रहा है, ये दूसरा नेफ्रॉन आ रहा है, ये तीसरा नेफ्रॉन आ रहा है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो पार्ट है, इसके अंदर एक नेफ्रॉन नहीं एंटर होता, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल नेफ्रॉन्स जो हैं वो यूरिन बनाकर देते हैं, और यहाँ पर उसकी फाइनल एडजस्टमेंट होती है।
तो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, ये बॉमेंस कैप्सूल है चांद की तरह का, उसके बाद ये ट्यूब की तरह का कॉइल ट्यूब है, एक करीब वाली जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, एक दूर वाली जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में एक यू शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनली। इसके दो पार्ट, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब, और लास्ट में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल नेफ्रॉन्स खुलते हैं। तो प्रॉक्सिमल की बात मैं कर चुका था, कहाँ चला जाता है ये, प्रॉक्सिमल की बात मैं कर चुका था, डिस्टल की बात मैं कर चुका था, लूप ऑफ हेनली ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसका असेंडिंग लिम्ब है और एक इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग भी यहीं कहीं लिखा होगा। खैर, आखिरी पार्ट जो है हमारे पास वो है कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, अब अगर इस डायग्राम के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ये वाले पार्ट्स, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊँ, एक चीज़ रह गई है। मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन स्टार्ट होता है चांद की तरह के या कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल। इसी बॉमेंस कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, वो कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो कहलाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और इन दोनों को जब मिला दिया जाए, ग्लोमेरुलस को और बॉमेंस कैप्सूल को साथ मिलाकर एक नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं मेलफीजियन बॉडी। तो अगर हम वापस अपनी डायग्राम की तरफ जाएं, तो ये आपको नज़र आ रहा है पहला पार्ट जिसे आप कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल। इसका जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है कैपिलरीज का एक नेटवर्क, दिस इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस को इसके साथ मिलाकर इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं मेलफीजियन बॉडी का, दिस इज मेलफीजियन बॉडी। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, वो है रीनल कॉर्पसल। बुक में नहीं लिखा हुआ, बट मेलफीजियन बॉडी कह लें या रीनल कॉर्पसल कह लें, ये बेसिकली इन दोनों को मिलाकर कहते हैं, ग्लोमेरुलस को और बॉमेंस कैप्सूल को। अच्छा, ये ग्लोमेरुलस क्यों है यहाँ? बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये जो बॉमेंस कैप्सूल की दीवारें हैं, इनके दरमियान खाली जगह है, यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर आना है लिक्विड जिसको आगे जाकर फिल्टर होना है और यूरिन बनना है। कहाँ से आएगा? ब्लड में से निकल के आएगा। तो इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा? इस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड होगा। अच्छा, अब इस तक एक पाइप ब्लड लेकर आता है, तो हम ये वाला पाइप कंसिडर कर लेते हैं कि ये वाला पाइप इसमें ब्लड लेकर आता है, फिर सप्लाई करता है ग्लोमेरुलस को, और फिर यहाँ से ब्लड बाहर चला जाता है, ठीक है। तो जो पाइप ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेकर आता है वो कहलाता है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। आर्टरीज का छोटा जो हिस्सा होता है वो कहलाता है आर्टेरियोल, तो ये कहलाता है एफरेंट। एफरेंट का मतलब आने वाला, ग्लोमेरुलस की तरफ, ये ग्लोमेरुलस है, इसकी तरफ आने वाला, ऐसे आने वाला, ऐसे एफरेंट। और जब ब्लड यहाँ आ जाता है, उसके बाद ब्लड यहाँ से आगे चला जाता है, यानी ग्लोमेरुलस से दूर जाता है, ग्लोमेरुलस से बाहर जाता है, ये काम करवाता है एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। ई से एफरेंट, ई से एग्जिट, तो ग्लोमेरुलस से जो एग्जिट कर रहा है वो कहलाता है एफरेंट आर्टेरियोल। आगे क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम रेगुलेटरी फंक्शंस की बात करेंगे, फिलहाल ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास नेफ्रॉन का। लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि, अच्छा, मैंने एफरेंट की बात कर ली, एफरेंट जो है वो लाने वाला है ब्लड, और उसके बाद ग्लोमेरुलस से ले जाने वाला जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल है। इसके बाद क्या होता है, जब एफरेंट आर्टेरियोल निकलता है ना, तो वो आगे जाकर डिवाइड होता है। ग्लोमेरुलस तक ब्लड आया, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है, इस तक ब्लड आया, फिर इससे आगे चला गया। अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये आगे जाकर डिवाइड होता है, और डिवीजन के बाद इसकी एक ब्रांच जो है वो इसके साथ घूमती है, कौन सा पार्ट है ये, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक ब्रांच इसके साथ घूमती है जिसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दोनों ब्रांचेस किसके साथ घूम रही है? ट्यूब्यूल्स के साथ, तो इन्हें हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब होता है अराउंड, और ये ट्यूब्यूल्स के अराउंड घूम रही हैं, इसके अराउंड और इसके अराउंड, तो इन ब्रांचेस को हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और दूसरी ब्रांच जो निकलती है इसमें से, वो जाती है इस पार्ट के साथ पैरेलल चल रही होती है, नीचे की तरफ जाती है बिल्कुल स्ट्रेट, ये कहलाती है वाजा रेक्टा। तो जो ट्यूब्यूल्स के साथ कैपिलरीज होंगी वो कहलाएंगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये वाली भी और ये वाली भी, और जो लूप ऑफ हेनले के साथ रन करेगी वो कहलाएगी वाजा रेक्टा। ये मैं आगे बहुत सिंपल सी डायग्राम से समझाता हूँ। ये वाला पाइप कौन सा था? ये था एफरेंट, ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस, उसके बाद ये क्या है, ये एफरेंट है, ठीक है। एफरेंट से ब्लड आएगा, एफरेंट से ब्लड जाएगा,
एग्जिट होगा। अब ये जो इफरेंट है ये आगे जाकर देखें डिवाइड हो रही है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी मैंने डायग्राम बनाई है, एक्चुअली ऐसी नहीं होती। तो एक ब्रांच इसकी इसके साथ घूमेगी, इसको सप्लाई करेगी चीज़ें और इसमें से मटेरियल लेके जाएगी। एक ब्रांच इसको सप्लाई करेगी और इससे मटेरियल लेके जाएगी। ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये कहलाती हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और एक ब्रांच आपको नजर आ रही है कि वो इसके साथ चल रही है, लूप ऑफ हेनले के साथ चल रही है, ये ब्रांच कहलाती है वासा रेक्टा, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास नेफ्रॉन का। अब मैं अगर आपको बुक की डायग्राम दिखाऊं, अब इसके अंदर हम पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चांद की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल के अंदर ये कैपिलरी का नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम मिलाकर कहते हैं मेल्फीजियन बॉडी, या इसे हमने कहा था रीनल कॉर्पसल। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। ये वाला जो आपको ट्यूब्यूलर पार्ट नजर आ रहा है, ये जो पहला पार्ट है करीब करीब, ठीक है, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद दूसरा ये जो दूर वाला पार्ट है जो कि घुमा हुआ है, दिस इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इन दोनों के दरमियान में ये जो आपको यू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो नीचे जा रहा है और फिर ऊपर आ रहा है, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं, एक पार्ट नीचे जा रहा है ये वाला, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब, और एक पार्ट ऊपर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, दिस इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब। और मैंने बताया था इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल जा रही होती है, ब्लड कैपिलरी जा रही होती है, वो कहलाती है वासा रेक्टा। तो ये जो कैपिलरीज आपको नजर आ रही है डार्क कलर के अंदर, दीज आर नोन एज वासा रेक्टा, ठीक है। अच्छा, कहाँ से निकल रही है ये, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स है, ये ग्लोमेरुलस है, इसकी तरफ आने वाला, आपको सिर्फ एरो देखना है, आने वाले को मैंने कहा था ए फ्रंट, चाहे नीचे से बनाए चाहे ऊपर से बनाए। एरो अगर ग्लोमेरुलस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ब्लड लेकर आ रहा है ग्लोमेरुलस की तरफ, तो ये ए फ्रंट कहलाएगा। और इससे ले जाने वाला, ये एरो इस तरफ जा रहा है, यानी ग्लोमेरुलस से ब्लड आगे जा रहा है, तो ये कहलाता है ई फ्रंट। अब अगर गौर करें तो ई फ्रंट आगे जाकर डिवाइड हो रहा है, देखें एक ब्रांच ये आई जो प्रॉक्सिमल के अराउंड है, एक ब्रांच ये है जो डिस्टल के अराउंड है। ये दोनों ब्रांचेस कहलाती हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और उसके बाद ये ब्रांच सीधी आ रही है, ये लूप ऑफ हेनले के अराउंड जा रही है, दिस इज नोन एज वाजा रेक्टा। एंड देन दिस इज द लास्ट पार्ट जिसके अंदर नेफ्रॉन आकर आखिर में एंड होता है, ये पार्ट कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर आपको मल्टीपल ओपनिंग्स नजर आ रही हैं, इसके अंदर एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मल्टीपल नेफ्रॉन्स आकर खुलते हैं और अपना यूरिन जो है वो इसके अंदर डंप करते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।